अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। वेलकम टू माय न्यू वीडियो जी। आज की वीडियो में बात करेंगे माय फैमिली टॉपिक के ऊपर कि माय फैमिली टॉपिक जो 2024 में क्या वो B1 टेस्ट में खत्म हो गया है, क्या ट्रिनिटी कॉलेज वाले या ब्रिटिश काउंसिल वाले जो B1 टेस्ट लेते हैं उन्होंने माय फैमिली टॉपिक को खत्म कर दिया है, क्योंकि जितने भी लोग हैं, ज्यादातर लोग हैं जो माय फैमिली टॉपिक ही प्रेफर करते हैं कि मैंने माय फैमिली टॉपिक ही रखना है। माय फैमिली टॉपिक इजी है क्योंकि उसमें आपको ज्यादा नॉलेज हो तो ये बात कर सकते हैं, बच्चों पे बात कर सकते हैं, पेरेंट्स पे बात कर सकते हैं, इन लॉज पे बात करते हैं, होम पे बात कर सकते हैं, सिबलिंग्स पे बात कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने माय फैमिली टॉपिक क्यों रखना है और उसके साथ माय फैमिली टॉपिक के साथ टाइटल कौन कौन से रखने हैं, और मुझे आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, आपने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है और मुझसे आपने पूछना है कि भाई फैम मैंने ये टॉपिक रखा है, टाइटल रखा है, ठीक है, मैं आपको फुल गाइड करूंगा। आपके 10 से 20 पाउंड लगेंगे, इंशाल्लाह ताला आप बिल्कुल प्रॉपरली गाइड होके टेस्ट दोगे। आज अभी आपकी जो बात है, अभी आज जो मैंने टॉपिक चूज किया है कि क्या माय फैमिली टॉपिक 2024 में खत्म हो गया है, तो नहीं जी सरकार, बिल्कुल भी ये गलत अफवाह थी। क्योंकि दो सिस्टर्स ने मुझे मैसेज किए कि भाई सुना है B1 में माय फैमिली टॉपिक अब नहीं ले रहे, खत्म हो गया। फिर एक सिस्टर ने मुझे मैसेज किया, मैंने कहा कि मुझे तो अभी तक कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि माय फैमिली टॉपिक जो ट्रिनिटी कॉलेज या ब्रिटिश काउंसिल या दूसरे लेते हैं कि माय फैमिली टॉपिक उन्होंने लेना छोड़ दिया। हाँ, इस तरह हो सकता है कि जो वर्क वीजा है उसमें माय फैमिली टॉपिक के लिए कुछ डिफरेंट हो, बट जो कंफर्मेशन है, मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं कि अभी तक जो ट्रिनिटी कॉलेज वाले हैं जिनकी इनडेफिनेट होनी है या ब्रिटिश आपने पासपोर्ट के लिए टेस्ट देना है, तो उसके लिए B1 टेस्ट के लिए माय फैमिली टॉपिक अभी भी चल रहा है। मैं खुद अभी इंस्टाग्राम पे आज मैंने दो लोगों को माय फैमिली टॉपिक रखवाया और उसके साथ उनको टॉपिक और टाइटल चूज करके दिए, उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया और मुझे पे भी किया, तो उन्होंने मुझे 2020 पे किया। उन्होंने बोला भाई बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने के लिए, क्योंकि आप लोग पाकिस्तान हो, पाकिस्तान में रह के आप बिल्कुल ठीक गाइड कर रहे हो और आप आपका हक बनता है ये। तो माय फैमिली टॉपिक में बोल रहा था कि माय फैमिली टॉपिक खत्म नहीं हुआ, माय फैमिली टॉपिक अभी भी चल रहा है। तो आपने माय फैमिली टॉपिक पता है क्यों रखना है? क्योंकि माय फैमिली टॉपिक आप रखेंगे, माय कंट्री भी रख सकते हैं। अच्छा, माय कंट्री आप टॉपिक रखेंगे, जैसे मेरा कंट्री पाकिस्तान है, मेरा जो टॉपिक था मैंने माय कंट्री चूज किया था। माय कंट्री में आपकी स्पोर्ट्स, आपकी फूड, आपका वेदर, आपके जो कंट्री के जितने भी आप सेलिब्रेशन करते हैं, स्पेशल ओकेजन है, कुछ भी आप जो भी सेलिब्रेट करते हैं वो सारी फ्रेंड्स के साथ होती है, आपके कंट्री के फ्रेंड्स, जो भी आपका जो भी सिनेरियो होगा आपको उस वक्त बता दिया जाएगा जब आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे कि भाई मैंने माय फैमिली रखना है या माय कंट्री रखना है। तो माय कंट्री भी चल रहा है, माय फैमिली भी चल रहा है। किसी को कोई भी हेल्प चाहिए, आपने मुझे यहां कहीं इंस्टाग्राम है या डिस्क्रिप्शन में है, आपने मुझे लाजमी फॉलो करना है। और मैं हर रोज कोई ना कोई स्टोरी लगाता हूं कि ये आज पास हो गया, क्योंकि जो लोग पास होते हैं फिर वो मुझे मैसेज करते हैं, क्योंकि B1 टेस्ट में ग्रेड होते हैं, ए ग्रेड होता है, बी ग्रेड होता है, सी ग्रेड होता है, डी ग्रेड होता है। ये मैं अगली वीडियो बनाऊंगा कि कौन से ग्रेड वाला पास है, कौन से ग्रेड वाला फेल है। तो ये आज की वीडियो में बता रहा था कि माय फैमिली टॉपिक रखें या माय कंट्री, दोनों ही चल रहे हैं। आपको हेल्प चाहिए, गाइड चाहिए प्रॉपर टेस्ट के ऊपर, आपने पूछना है कौन सा टेस्ट बुक करना है, क्योंकि B1 टेस्ट में एक B1 टेस्ट UKV आई है, एक B1 टेस्ट GEC ग्रेड 5 है, एक B1 टेस्ट IELTS है। तो आप कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि इनडेफिनेट के लिए कौन सा टेस्ट बुक करना है, और जब आप टेस्ट बुक करते हो तो उधर क्वेश्चन आता है कि ILR के लिए है या ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए है, तो फिर लोग मुझे मैसेज करते हैं। आपने भी मुझे मैसेज करना है, फॉलो करना है, आपने पूछना है कि भाई मुझे हेल्प चाहिए, मैं इंशाल्लाह आपकी हेल्प करूंगा। आपके थोड़े से पैसे लगेंगे लेकिन आपकी ज्यादा हेल्प हो जाएगी, 10-15-20 पाउंड की बात नहीं है, बात आपको प्रॉपर गाइड मिलने की है और बात आपको प्रॉपर जो पास होने का रास्ता है वो बताने की है। और इंशाल्लाह आपके सामने कमेंट्स देखेंगे आप, काफी ज्यादा लोग, हजारों में लोग पास हुए हैं। तो आज की वीडियो यकीन आपके साथ करता हूं कि आपको हेल्प करेगी आज की वीडियो। किसी को भी कोई भी हेल्प चाहिए आपने मुझे इंस्टाग्राम पे रब्ता कर लेना है। तो आपने अगर लाइफ इन द UK टेस्ट भी पास करना है उसके लिए भी आपने मुझे कॉन्टेक्ट करना है।
लाइफ इन द यूके टेस्ट और B1 टेस्ट दोनों जरूरी हैं। लाइफ इन द यूके टेस्ट का भी आपको मैं इजी वे बताऊंगा, क्योंकि लाइफ इन द यूके टेस्ट ऐप से रेडी करना होता है, बुक से करना होता है और लिंक से रेडी करना होता है। जो मैं रिकमेंड करता हूं वो लिंक है, लिंक मैं सबको क्योंकि मैं खुद लिंक से पास हुआ, इजी वे है पास करने के लिए, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि लिंक आपके लिए बेहतर रहेगा। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए तो ज्यादा है, क्योंकि ज्यादातर पढ़े लिखे लोग तो बुक से ही पढ़ेंगे। अगर बुक से भी पढ़ेंगे तो बुक आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी। बुक आपको मिलेगी £10 की WH Smith की शॉप से, पूरे इंग्लैंड में जितने भी जहां भी आप जाएंगे WH Smith की शॉप है, तो वहां पे आप जाएंगे आपको 2024 लाइफ इन द यूके टेस्ट एडिशन ले लेना। अगर आपको वो नहीं लेना, आपको पढ़ना नहीं आता, तो आप ऐप से रेडी कर सकते हैं, आपको ऐप लेनी पड़ेगी। अगर आप ऐप भी आपके लिए मुश्किल है क्योंकि उसमें 700-750 सवाल है, तो फिर लिंक मेरे वाला जो मैं बताता हूं, जो मैं गाइड करता हूं आपको £10-15 में, आपको वो सारा मैं गाइड कर दूंगा, ठीक है। आपको प्रॉपर वे में आपको पता चल जाएगा कि प्रॉपर जब आप मुझसे बात करेंगे ना, आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको हेल्प करेगी, हेल्प की है तो प्लीज लाइक कर दें और एक कमेंट कर दें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है प्लीज, ठीक है जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।